हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम उठ गए हैं, बहुत ही रिलैक्सिंग सी स्लीप थी क्योंकि बहुत पीस है यहाँ पे, बहुत ही सीरीन सा रिजॉर्ट है। हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मेरा नारा पति उठते ही चल दिया भागते हुए ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं और रिसेप्शन से कॉल आ चुका है कि ब्रेकफास्ट ख़त्म होने वाला है, तो आप जल्दी आ जाओ। देखते हैं कैसा ब्रेकफास्ट है। गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, सुबह भी रेडी हो रहे हैं। हम निकल रहे हैं गुड़गांव के लिए, क्योंकि हमने ये प्लान किया है कि अगर हम थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे तो हम गुड़गांव ऐसे टाइम पे पहुँचेंगे जब ट्रैफिक नहीं होगा। तो हम जल्दी से यहाँ से चेकआउट करते हैं और फिर निकलते हैं गुड़गांव के लिए। मिलते हैं आपसे रास्ते में। कर रहे हैं चेकआउट। बाय बाय लवली विला एंड गार्डन, बहुत ही अच्छा स्टे था हमारा। अब हम निकल रहे हैं गुड़गांव के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, हम पूल एरिया देखने आए थे और हमें मिला एक बहुत ही बड़ा पीकॉक। सोप ये फीमेल है, कितनी सुंदर। मैं लेके जा रही हूँ सुप्रात को पूल एरिया में, क्योंकि मुझे वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करानी है। कल मैं पूरा दिन बोलती रही और इस लड़के ने मेरी एक भी अच्छी फ़ोटो क्लिक नहीं की है, तो अभी इतनी धूप में जाके ही मेरी फ़ोटो क्लिक करेगा, ये इसकी पनिशमेंट है। देखिए ये आए हैं बिना मुड़ के मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करने। इतना सुंदर पूल एरिया है, यहाँ की फ़ोटो क्लिक करना तो बनता है यार। बाय बाय ट्री ऑफ लाइफ रिजॉर्ट, बहुत ही अच्छा स्टे था, बहुत इन्जॉय किया हमने। गाइज ये देखिए, अब आ रहा है पापा का फ़ोन 2 बजे हमें एनिवर्सरी विश करने के लिए, पर वो हमेशा सबको विशेज बहुत स्टाइल में देते हैं, तो देखते हैं हमें कैसे विश करते हैं वो। थैंक यू पापा। गाइस हम आए हैं लंच करने के लिए हाईवे किंग, और ये मेरे पति को देखो, धूप चली गई है। सुप्रत आप अपनी कैप उतार सकते हो, धूप के लिए नहीं है, बाल लड़कों का ये सीन भी सही है। ओ आपने ट्री ऑफ लाइफ का ब्रेसलेट अभी तक पहना है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलो यार कुछ खाते हैं, क्या चाट वाट खाऊं, क्या खाओगे भाई बताओ, फटाफट भूख लगी है। आपको क्या खाना है? मैं डोसा खाऊंगा। तो मेरा लंच आ गया है, मैंने मंगाई है राज कचौड़ी और सुप्रात का फेवरेट साउथ इंडियन मसाला डोसा। लाइट कहाँ था भाई? लाइट लाइट साउथ इंडियन लाइट होता है, मतलब डोसा। चलो इंजॉय करते हैं लंच और मिलते हैं आपसे फिर दोबारा। पहुंच गए हैं घर पे वापस फाइनली एक ट्रिप के बाद। ये मेरे कुली, मेरी वैनिटी, ध्यान से मेरी वैनिटी लेके चल दिया। तो कितना पीस लगता है यार अपने घर वापस आके। ये अमेज़ॉन से क्या मंगाया आपने? ब्लॉग्स बनाने का सामान, तो मतलब फुल टू ब्लॉगिंग में आ रहे हो आप? ओहो आप नहीं, आपकी बीवी। दीदी आते ही लग गई हैं पौधों में पानी देने को। दीदी हमारे प्लांट सूख तो नहीं गए? हमारे पौधे सूख तो नहीं गए? इसका नाम दुनिया है ही नहीं, सिर्फ तीन ही बचे, बाकी चला गया। चलो कोई बात नहीं, दूसरे वाले उसमें तो बचा है धनिया। धूप बहुत थी ना, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। गाइस हमने प्लान किया था कि हम जयपुर से आके जाएंगे एक डिनर डेट पे, अच्छी सी जगह डिनर करने और फिर से केक कट करने,
लेकिन मेरे हेडेक ने पूरा प्लान फेल कर दिया, तो सुप्रात गई है मेरी मेडिसिन लेने और मैं किचन में आई हूँ। अगर थोड़ा सा कुछ खाने का मन किया तो ठीक है, अदरवाइज मैं सोने जा रही हूँ। तो गुड नाइट गाइज, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।